एवरीवन ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 6 पार्ट 2 6.2 न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। व्हेन वी वर्क और राइड ए बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी एनर्जी इज needed to maintain a state of order in our body. We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesis protein and other substances needed in the body. This is source of energy and materials is the food we eat. अब nutrition देखते हैं पोषण। जब हम कभी टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम ऊर्जा का उपयोग कर हमें ऊर्जा का उपयोग करते हैं। इस स्थिति में जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं तो हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्ध विकास प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थ की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थों जो हम खाते हैं वह भोजन होता है। हाउ डू लिविंग थिंग गेट देयर फूड सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल्स इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म बट इज इट इज फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। सम ऑर्गेनाइज यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेंड from inorganic source in the form of carbon dioxide and water. These organisms, the autotrophs, include green plant and some bacteria. Other organisms utilize complex substances. These complex substances have to be broken down into simpler ones before they can be used for the upkeep and growth of the body. To achieve this organism use biocatalyst called enzyme. Thus the autotrophs survival depend directly or indirectly on autotrophs. Autotrophic organism include animal and fungi. जब जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थों की समान आवश्यकता समान होती है लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों द्वारा होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। यह जीव स्वपोषी होते हैं जिसमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु आते हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य होता है ताकि यह जीव का संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इससे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। अतः विषम पोषी उत्तरजीव जीवता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कवक इसी प्रकार के विषम पोषी जीवों में सम्मिलित होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन स्वपोषी पोषण। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इंटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज कन्वर्टेड इंटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। वी विल स्टडी हाउ this takes place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant. A somewhat similar solution is seen in us where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of oxygen. अब स्वपोषी पोषण क्या होते हैं। स्वपोषी
जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। यह वह प्रक्रम है जिसे स्वपोषी बाहर से के लिए पदार्थ को ऊर्जा सचित रूप से परिवर्तित कर देते हैं। वह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम यह अध्ययन करते थे कि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होता, उन्हें मड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ ऐसे इसी तरह की स्थिति में हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन में व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। लेट्स नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द फ्लोइंग इवेंट अकॉर्डिंग दिस प्रोसेस। हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं कैसे होती हैं। एब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। कन्वर्सन ऑफ लाइट एनर्जी जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। दिस स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल डिजायर्ड प्लांट टेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेक्ट ओपन बाई द एनर्जी एब्जॉर्ब बाई द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। यह आवश्यक नहीं है कि चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। एग्जाम्पल के लिए मरुस्थली पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। Let us see how each of the component of the above reaction are necessary for photosynthesis. आइए हम देखते हैं कि उपरोक्त अभिक्रिया के प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक होती हैं। If you carefully absorb a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. These green dots are cell organelles called chloroplasts, which contain chlorophyll. Let's do an activity which demonstrates that chlorophyll is essential for photosynthesis. अब हम ध्यानपूर्वक देखते हैं कि एक पत्ती का अनुस्पष्ट काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करते हैं तो हम नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देती है। यह हरे बिंदु कोशिकांग है जिन्हें क्लोरोफास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है जो हमें दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। अब नाउ लेट्स स्टडी हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। इन क्लास 9th वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा विच आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव थ्रॉट दिस पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू नॉट हेयर डैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स रूट एंड लीव्स वी as well since large amounts of water can also be lost through these stomata. The plants close these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. The opening and closing of the pore
is a function of the guard cell. The guard cell when water flows into them, causing the stomatal pore to open. Similarly, the pore closes if the guard cell shrink. अब हम अध्ययन करते हैं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं. आप क्लास नाइन्थ में भी पढ़ चुके हैं कि हमने रंध्र में चर्चा की थी. जो पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है. लेकिन यहाँ जानना भी आवश्यक होता है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है. इन रंध्र से पर्याप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है. अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधे इन छिद्रों को बंद कर लेते हैं. छिद्रों का खुलना और बंद होना का द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है. द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है. इसी तरह जब द्वार कोशिकाएँ सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है. डायग्राम 6.3 देखिए. ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज स्टोमेटा. आगे बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटीज परफॉर्म अबव कैन बी डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज इंस्टीनियल फॉर फोटोसिंथेसिस. सो फार वी हैव टॉक अबाउट हाउ ऑटोट्रॉप्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी. वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्रियल प्लांट. अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल. नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड. दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स, और इट इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाई बैक्टीरिया फ्रॉम एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. अब दो क्रियाकलापों के आधार पर जब हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे प्रदर्शित हो सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है. अब तक यह हम चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता के पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर का निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है. स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों तथा मिट्टी में उपस्थित जल का अवशोषण से भी करते हैं. नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थों में भी मिट्टी से लिए जाते हैं. नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है. इसे अकार्बनिक नाइट्रेट का नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है. इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनाते हैं. 6.2.2 हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विषम पोषी पोषण. इच ऑर्गेनिज्म इज अडाप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट. द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी फॉर ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेंड बाय द ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जांपल वेदर द फूड सोर्सेस इज स्टेशनरी और मोबाइल्स वुड अलाउ फॉर डिफरेंस इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड एंड व्हाट इज द न्यूट्राइव एपरेटर्स यूज बाई ए काउ एंड ए लॉयन. देयर इज ए रेंज ऑफ स्टेंजिस बाई विच द फूड इज टेकन इन द यूज बाई द ऑर्गेनिज्म. सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल्स आउटसाइड द फूड एंड देन एब्जॉर्ब इट. एग्जाम्पल आर फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड्स ईस्ट एंड मशरूम. अदर टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इन
down inside their bodies. What can be taken in the broken down depends on the body design and function. Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like crustaceans, amoebatrix like lysis and tapeworm. अब हम विषम पोषी पोषण के बारे में देखते हैं. प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होते हैं. भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार से हो सकती है. इसके अतिरिक्त यह जीव का भोजन ग्रहण करने का ढंग भी निर्भर करता है. उदाहरण के लिए यदि भोजन स्रोत अचल है या गतिशील है, जैसे हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अभिग्रह का तरीका भिन्न भिन्न है, तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं. जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं. कुछ जीव भोज पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं. फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके मुख्य एग्जाम्पल हैं. अन्य जीव संपूर्ण भोज पदार्थ के अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है. जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाए तथा उसका पाचन की विधि उसके शरीर के अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करता है. घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंदर अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषक प्राप्त करते हैं. यह पोषक युक्त अमरवेल, किलनी, जू, लीच और फीता क्रीम सरीके बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होते हैं. हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म. इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड माई बी टेकन इन बाई द इंटायर सरफेस, बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, अमीबा टैक्स इन फूड यूजिंग टेम्प्रेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस विच यू फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल. इनसाइड द फूड वैक्यूल्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इन टू सिंपलर वंस विच डैन डिफ्यूज इन टू द साइटोप्लाज्म. द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. द सेल हैज ए डिफिनाइट सेप एंड फूड इज टेकन इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट. पॉट फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट्स ऑफ सीलिया विच कवर द इंटीरियर सरफेस ऑफ द सेल. अब जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? भोजन और उसके अंतग्रहण की विधि भिन्न है, अतः विभिन्न जीवों का पाचन तंत्र भी भिन्न है. एक कोशिकीय जीव में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं. उदाहरण के लिए, अमीबा कोशिका सतह से अंगुली जैसे अस्थाई प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है. यह प्रवर्त भोजन के कणों को घेर लेता है तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाता है. खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वह कोशिका द्रव्य में विसित हो जाते हैं. बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की और गति करता है और तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है. पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है. इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है. भोजन
इस स्थान तक प्रक्षेप्य की गति द्वारा पहुंचाता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होता है। थैंक यू।